हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। आज बात करेंगे बिजली कटौती समस्या पर, और यही नहीं, विधानसभा के सारे नेताओं को एकत्रित किया है हमने इस समाधान के लिए। आज की महाबहस में बीएसपी के नेता अजय भारती, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जी और आप प्रत्याशी के विश्वा, और यही नहीं बीजेपी के प्रेमतोष सिंह भी आज हमारी बहस में मौजूद होंगे। उसके साथ ही साथ समाज सेवी विनय कुमार पासवान भी होंगे, और साथ में बहस में शामिल होंगे आज हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष धनंजय कुमार भी। अंत में एनसीपी नेता को भी आमंत्रण दिया है, उनका भी मन टटोलेंगे। उनका क्या कहना है, अभी गर्मी के समय उसको काटना उचित नहीं है जी? तो ये किस तरह से मैनेज होगा सर, क्योंकि अभी सीमित रखा गया है और सीमित है कि बिजली हमको इतना ही है और इसको खर्च करना है, तो ये किस तरह से होगा ताकि किसानों के लिए भी कुछ राहत हो, उनको भी समय पर मिल सके, जो गांव देहात में है उनको भी राहत मिल सके? आपका ये हमने दो दिन पहले से मैंने इस मामले में पहल शुरू किया है, और हम अपने इस सरकार के जो हमारे गठबंधन के मंत्री है उन लोगों से हमने वार्तालाप भी किया है इस सब्जेक्ट पर जो आज आपने उठाया है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जो हमने सोच रहे थे वही चीज आपने मुद्दा को उठाया है हुसैनाबाद सब डिविजन में। हुसैनाबाद सब डिविजन के तमाम जितने भी समाज सेवक हैं उन लोगों को चाहिए कि इस घड़ी में सभी लोग एकजुट होकर के, और जो बिजली विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं जो उच्च पद पर बैठे हुए उसको यहाँ के लोगों का तकनीक के बारे में अवगत कराना चाहिए और जितना जल्दी हो इसे दूर कर देना चाहिए, और नहीं दूर होने पर फिर सारे समाज सेवक लोगों को एकजुट होकर के सरकार से बात रखनी चाहिए ताकि यहाँ की जनता की समस्या हल हो। सत्यनारायण जी आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय पासवान। चलिए मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ जी। मेरा नाम विनय कुमार पासवान हुआ जी जी, और पलामू प्रमंडल अध्यक्ष पासवान एकता संघ जी, और आपको आरबीसी चैनल को इस डिबेट के लिए बहुत बहुत बधाई हो जी। आपने सभी जाति धर्म के किसान मजदूर छात्र नौजवानों की समस्या, यह बिजली जो कट रही है उसकी बहुत गंभीर समस्या, जटिल समस्या है, और यही समस्या के लिए माननीय इस क्षेत्र के विधायक जी भी 24 घंटा बिजली देने की भी बात कहे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से विधायक जी तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह रात्रि में जो 24 घंटा अभी मुश्किल है और इसकी बढ़ाने की व्यवस्था करने में समय लगेगा, तो अभी जो मिल रहा है उस पर ही अपना विचार है कि क्या रात, मेरा मुद्दा सिर्फ एक सवाल से है कि क्या जो रात में बिजली कट रही है वो काटना उचित है? नहीं, यह अनुचित है, रात्रि में एक मिनट भी बिजली नहीं कटनी चाहिए। अजय जी आरबीसी चैनल में आपका स्वागत है जी, और आज का मुद्दा है कि जो लाइट रात में काट रही है जी, और कभी एक घंटे के लिए आ रही है फिर जा रही है फिर आ रही है फिर जा रही है, तो क्या ये ऐसा करना उचित है गर्मी के माहौल में? अभी खास करके जो लॉकडाउन चल रहा है और जो भयानक गर्मी का ये अभी समय है, और इसमें अभी जो यह लाइन का जो खेल मिचौनी चल रहा है ये बहुत ही अनुचित है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर सही मायने में लाइन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए बिजली विभाग के लोगों को मध्य रात्रि में इस तरह के लाइन के काटना मानो बहुत ही अनुचित है, जिससे आम लोगों के काफी तकलीफ हो रहा है, इसलिए हो रहा है। और मैं बिजली विभाग के अधिकारी से यह अपील करना चाहेंगे कि अगर सही मायने में अगर बिजली की जरूरत है तो ये बीच में इसको है ना
मेकअप कर लिया जाए, लेकिन मध्यरात्रि में इस तरह का बिजली नहीं कटे, यही मेरा बिजली विभाग के लोगों से अपील होगा। और इस तरह का गर्मी, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं प्रेमतोष सिंह जी, उनको सुनते हैं उनका क्या कहना है इस समस्या पर। हमारी सोच के अनुसार कटौती नए शब्द को ही हटा देना चाहिए, बिजली 24x7 मिलना चाहिए, इसलिए कि शहरवासियों को बिजली ही जीवन जीने का एक आधार है, चाहे रात को सोने का विषय हो कि दिन के वर्क का विषय हो, इसलिए कि हम देहातों में ग्रामीण क्षेत्रों में वास नहीं करते, बिल्कुल, इसलिए कि बिजली कटौती शहर में दो दो कमरों के मकान में 15-15, 10-10 लोग रहते हैं, जी जी, धनी आबादी का क्षेत्र होता है, तो वहां पर यदि बिजली नहीं मिले तो हमारे जन जीवन को काफी प्रभावित करेगा, जिससे हमारे यहाँ महामारी भी फैलेगा, बीमारी बढ़ेगी गर्मियों से, खासतौर पर बहुत सारे प्रवासी लोग भी आ रहे हैं, इसलिए बिजली कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता कि हम उसके पक्षधर हैं। रही बात कि बिजली कटौती क्यों हो रहा है, तो इसलिए हम बिजली विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि से के माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि यदि बिजली कटौती में कोई परेशानी है तो हमें दिन में आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट की कटौती कर दें, लेकिन हमको रात में कम से कम चैन की नींद सोने के लिए तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए, हमें भर पेट भोजन दे अथवा न दे लेकिन चैन की नींद तो दे सके, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बिजली, यदि हमने बिजली विभाग के अभियंता से बात की तो उन्होंने कहा कि सप्लाई कम आ रही है बाहर से, हमारा कहना कि जब सप्लाई कम आ रहे हैं तो सप्लाई को एक सही समय से वितरित करें, रात के कट कट है उसको समाप्त करें, सुबह में जब टेम्परेचर डाउन रहता है उस समय आप बिजली को हमको 1 घंटा कम दें, शाम में कम दे दें, लेकिन रात को कंटिन्यू करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। बच्चे हैं, वृद्ध हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारा रमजान का जो पवित्र महीना चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे व्रती हैं जो उपवास करते हैं, उनको तो पसीना शरीर से निकलना ही नहीं चाहिए इस मौसम में, और जब तक बिजली नहीं रहेगी तो इसमें काफी कठिनाई होगी उनको, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिजली हमें सुनिश्चित मिले, हमारे हिस्से की बिजली को सुबह और शाम में कटौती करते हुए रात को भरपूर बिजली देने का विभाग काम करे और इस पर जनप्रतिनिधि आवाज उठाए, इसलिए कि जनप्रतिनिधि को पहले सत्र में ही उनका मुद्दा था बिजली, आज कहाँ गौन हो गया, अब स्वयं से लेकर के बिजली तक भूल हो जा रही है, कहीं चर्चा नहीं हो रही। और इस पर सिपूजा यही नहीं, मैं याद दिला दूं आपको प्रेमतोष जी के सिपूजन जी भी इसी मुद्दे पर विधायक बन गए जी, तो ये बिजली बनाने लेकिन अभी तक बिजली सुधार में बिजली कुछ नहीं हुआ बिजली सुधार में कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि यह बिजली व्यवस्था जो है एक विधायक बनने का इसको मशीनीकरण कर दिया गया है, जनता से कोई लेना देना इनको है नहीं, तो इसलिए हम ही कहना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि सरकार तक आवाज उठाएं और हुसैनाबाद वासियों को बिजली देना सुनिश्चित करें, किसानों के लिए दिन में बिजली देना सुनिश्चित करें और शहरी क्षेत्रों में कम से कम रात को, यानी कि चौर दिन को 24x7, इसलिए कि रात को और दिन शहर वासियों के लिए बिजली की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे क्षेत्रवासी इस बात को आवाज को सुनेंगे उनसे एक अपील करना चाहेंगे इस समय में, नगर पंचायत क्षेत्र में हजारों पोल गड़े हैं जिस पर एक एक बल्ब। प्रेमतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े अपने विचार रखे, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं के विश्वा जी, उनको सुनते हैं उनका क्या कहना है। कि अभी बिजली की समस्या ये है कि जितना मुझे पर्याप्त बिजली मिल रही है, जितनी हम लोगों के पास है, उसमें से बिजली रात में जो काटी जा रही है, क्या उसका काटना उचित है, रात में बिजली ना काट करके कोई और टाइम उसको शिफ्ट करना बेहतर होगा या रात में ही कटना बेहतर है, जो कटिंग हो रही है अचानक से काट ली जा रही है। देखिए मेरा ये इस पे मैं ये जवाब देना चाहूंगा आपको कि बिजली कटौती हो ही क्यों, गर्मी का दिन है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के कारण
ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ हुसैनाबाद, हैदरनगर, हरियरगंज, पूरा जो क्षेत्र है अपना क्षेत्र के में बहुत बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गर्मी में बहुत परेशानी होती है और रात में सभी लोगों को लॉकडाउन में घर में रहना है तो रात में बिजली कटेगी। इसके लिए सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी बनती है हुसैनाबाद के विधायक का। हुसैनाबाद के विधायक माननीय कमलेश कुमार सिंह जी झारखंड सरकार के समर्थन में और बिजली की कटौती हो रही है तो सरकार से सवाल करना, सरकार से इस बारे में शिकायत करना और सरकार से मदद मांगना, मांगने की जिम्मेदारी जो है वो विधायक महोदय को है। दूसरी बात है कि उसके अलावा हुसैनाबाद क्षेत्र में जो विधायक बाकी जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और बाकी दल के जो नेता हैं वो चुनाव के बाद जो है वो सो जाते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कोई भी नेता या कोई भी कार्य क्षेत्र का नहीं हो पाता है, कोई नेता कार्य नहीं कर पाता है। बिल्कुल, क्योंकि बाकी लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए। अगर क्षेत्र में अब चुनाव नहीं है तो बाकी के 4.5 साल जो बचे हुए हैं उसमें अब कोई नेता जनता के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाते हैं, ये एक समस्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना दायित्व तो निभाना पड़ेगा कि हर नेता को, हर सामाजिक संगठन को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को और हुसैनाबाद के नौजवानों को आवाज बुलंद करना होगा, लोगों को सवाल करना होगा। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में बिना आवाज उठाए कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए अगर बिजली कटौती हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार के विश्वा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं धनंजय तिवारी जी, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना। तिवारी जी, आपका आरबीसी चैनल में स्वागत है और आज की बिजली कटौती गोष्ठी में ख़ास तौर पर आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या ये घंटे घंटे जो रात में लाइट कट जाती है और घंटों के लिए कट जाती है, पता नहीं है कब आएगी, कोई टाइम निश्चित नहीं होता, क्या ये उचित है? तो बिजली जो हुसैनाबाद में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और बिजली पर कितने विधायक हो गए, मंत्री भी हो गए, विधानसभा लोग पहुंच गए, इस पर जोरदार आंदोलन भी होता है। हालांकि इसमें बहुत पहले से सुधार भी हुआ है, ऐसा बात नहीं, लेकिन अभी बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है इसमें। तो मैं यही आवाज जा रही है धनंजय जी, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा बहुत शॉर्ट टाइम में कि क्या ये रात में बिजली काटना अभी जो है, जो अभी परिस्थिति है उसके अनुकूल रात में जो लाइट कट रही है गर्मी के मौसम में, तो क्या ये काटना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं उचित है, क्योंकि बिजली अहम हिस्सा बन गया है, आदमी के, मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अहम हिस्सा बन गया है, इसके बिना जीवन अंधेरा है। और रात में खासकर सुबह दिन में तो किसी तरीके से लोग अपना समय काट लेते हैं, कुछ बात करके, कुछ इधर उधर काम करके, पता नहीं चलता है। लेकिन जो समय, जो शाम वाली समय होती है उसमें बच्चों को पढ़ाई संबंधित, एजुकेशन, शिक्षा संबंधित से लेकर जो दिनचर्या के और भी काम जो है, जैसे पानी की जरूरत होती है लोगों का, जो बहुत सारे जो इस पर निर्भर हो चुके हैं, जो बिजली के बिना मोटर नहीं चलता, पानी नहीं मिलता है लोगों को, शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण है। और रात में सोने को लेकर मान लीजिए बिजली ऐसा इतना मिल रहा है कि लोग बहुत से घरों में इन्वर्टर लगा चुके हैं, बैटरी लगा चुके हैं, लेकिन कितने लोगों के पास है? लेकिन मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ, जिनके पास ना इन्वर्टर है ना बैटरी है। और गर्मी जैसे इस उमस जो मौसम जो चल रहा है, उमस भरी मौसम में बिजली अहम चीज हो गया है, इसकी सख्त जरूरत है। खासकर रात में जो आप बात बोल रहे हैं इसमें बहुत बड़ा मायने रखता है, रात में तो अवश्य बिजली होनी ही होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आरबीसी चैनल से जुड़े। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी के नगर उपाध्यक्ष जीशान अहमद, उनसे जानते हैं। जीशान भाई, आरबीसी चैनल में आपका स्वागत है। जीशान साहब, आज की गोष्ठी में सब लोगों ने यही कहा कि लाइट रात में कटना उचित नहीं है, हम भी आपसे यही सवाल करेंगे कि आपकी नजर में लोगों की समस्या का निदान भी हो
तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि जो लाइट कट रही है रात में उसको किस रूप में देख रहे हैं, क्या वो समस्या है, जिनमिन है, या उस पर कुछ आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आरबीसी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मौका दिया हमको। सबसे पहली चीज ये है कि जो लाइट की जो समस्या है ये जो है काफी गंभीर बनी हुई है, जो रात में लाइट 12 सेकंड कट रही है और इससे सभी लोग परेशान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग परेशान है और ये लोग सभी लोग इससे परेशान है। तो इसमें जो है मैं ऊपर आला कमान से माननीय मंत्री या माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक से बात करूंगा जी। और बात करने के बाद इस समस्या को मैं रखूंगा कि इसके जो रात में लाइट 12 दिन कट रही है जी। रात को 12 दिन ना कटे तो लाइट को दिन में अगर काट दिया जाए 8 से 11 और ये काम जो भी एक समय हो ताकि देहात वालों को भी दिक्कत ना हो और देहात वालों की भी का ख्याल रहे। बहुत से लोग हैं कि मोटर चलाना चाहते हैं, बैठे रहते हैं और एक टाइम फिक्स हो कि किस वक्त से किस वक्त तक जाएगी और लाइट आएगी, तो इससे सुविधा हो जाएगी लोगों को। देखिए अभी जो कंडीशन जो है लाइट का, तो लाइट का तो कंडीशन खैर पूरे लाइट तो मिल नहीं रही है, 15-16 घंटा लाइट मिल रही है जी, जो भी कंडीशन ये है जी, तो उसी में से मैं एडजस्ट कराऊंगा कि जो रात को जो लाइट कट रही है उस रात को लाइट ना कटे बल्कि वो लाइट दिन में एडजस्ट कर दे, दिन में काट के लात मार दे, यही सिस्टम है ना जी। जी बिल्कुल, तो सिस्टम यही मैं चाहूंगा कि दिन की लाइट को आप सभी की बात सुनते हुए, जितने लोग भी हैं उन सभी की बात मानते हुए और हम इनको वाले समान से बात करके और जल्द से जल्द इस समस्या से निदान लाऊंगा और इसी आरबीसी चैनल के माध्यम से सभी को खुशखबरी दूंगा और आपकी समस्या से निदान मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया है विशांत साहब, आप जुड़े, आपने वक्त दिया।